सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के मती टीरा पंचायत के खस गांव के पास प्रस्तावित कूड़ा संयंत्र के विरोध में एक प्रतिनिधिमंडल सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा की अगुवाई में उपायुक्त हमीरपुर से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने कूड़ा संयंत्र से होने वाले प्रदूषण से गांव वालों को होने वाली परेशानियों को उपायुक्त से साझा किया। ग्रामीणों ने कहा कि जो कूड़ा संयंत्र बनाया जाना है वहां पर काफी संख्या में रिहायशी मकान हैं। कूड़ा संयंत्र से आने वाले दिनों में लोगों को काफी का परेशानी झेलनी पड़ सकती है। विधायक राजेंद्र राणा ने भी बताया कि उन्होंने इस स्थान का निरीक्षण किया है और कहा कि लोगों की मांग उचित है, प्रशासन ने भी लोगों की समस्या को हल करने का आश्वासन दिया है। मती टीरा ग्राम पंचायत जो कि सुजानपुर चुनाव क्षेत्र का हिस्सा है, वहाँ के ग्रामीण मुझे सुबह मेरे घर पे मिले थे, एक डेलीगेशन मिला था और मती टीरा ग्राम पंचायत का जो खस ग्राम है वहाँ पर जो है प्रशासन जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट वहाँ पर लगा रहा है और लोग वहाँ के जो ग्रामीण हैं वो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। कारण उसका ये है कि वहाँ पर जो है 100 मीटर पे लोगों के घर हैं और वहाँ पर जो है कूड़ा कचरा जो है उसका जो है प्लांट लगाया जा रहा है, उसका लोग विरोध कर रहे हैं क्योंकि वहाँ से लोगों को रहने वाले जो रेजिडेंट्स हैं उनको लिए बदबू आएगी। एक तरफ ही घर हैं और साथ में 100 मीटर के अंदर अंदर दूसरी जगह भी घर हैं और वहाँ पर जो है ज़मीन अलॉट हुई है लोगों को। तो इसलिए आज जो है मैं डिप्टी कमिश्नर से मिला हूँ और वहाँ के स्थानीय लोग भी मेरे साथ मिले हैं और साथ में बड़ी बात यह है कि लोगों ने जब मिल के आए तो अभी मैं वहाँ उस साइट का दौरा भी करके आया हूँ, व्यक्तिगत तौर पर देख के भी आऊँ, वहाँ पर फिजिबल नहीं है, लोग नहीं चाह रहे हैं। और दूसरा फिजिबल इसलिए नहीं है कि वहाँ पर लोगों को समस्या आएगी, बदबू आएगी। तो मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब से मैडम से मिला हूँ और उनको ग्रामीणों की तरफ से जो है वो एक रिप्रेजेंटेशन भी दी गई है और डीसी साहब ने कहा है कि इसको एग्जामिन करते हैं, अगर फिजिबल नहीं होगा तो कहीं और विकल्प जो है इसके बारे में सरकार जो प्रशासन जो है सोचेगा ताकि जो ग्रामीण वहाँ के हैं वो उनको आने वाले समय के लिए एक बड़ी समस्या से ना जूझना पड़े। इसलिए प्रशासन की तरफ से जो है हमें आश्वासन भी मिला है और मुझे लगता है कि प्रशासन कोई दूसरा विकल्प इसके बारे में सोचेगा। भाई राजेंद्र राणा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से हिमाचल में फेल हो चुकी है। आज प्रदेश में बेरोजगारी महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है लेकिन सरकार इसको नियंत्रण करने में पूरी तरह से असफल सिद्ध हुई है, इसलिए जयराम सरकार का जाना तय है। ये सुजानपुर की राजनीति तो सुजानपुर के लोगों ने तय करनी है, वोट उन्होंने डालने हैं और वहाँ की जनता ने हमें चुना है और हम लोग लोगों की सेवा कर रहे हैं, अच्छी सेवा करेंगे तो लोग फिर मौका देंगे। तो हम तो सुबह निकलते हैं, रात को घर लौटते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, चाहे कोरोना काल था हम लोग लोगों के बीच में रहें, सुख में भी रहें, दुख में भी रहें, मुसीबत में भी रहें। और जहाँ तक विकास की बात है, लगातार विकास के काम जो हमारी तरफ से MLA के तौर पर किए जा सकते हैं वो हम लोग कर रहे हैं, परंतु इस बात का अफसोस है हमें कि सरकार की तरफ से, हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से सुजानपुर चुनाव क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में विकास नाम की कोई चीज़ दिखने को नहीं मिल रही है। विकास हो नहीं रहा है, थम गया है, ब्रेक लग गई है, जंग लग गया है। तो इसलिए आने वाला समय जो है हिमाचल प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह साफ होने वाली है और मुझे लग रहा है कि शायद 2 का आंकड़ा भी ये टच ना कर पाए। अब तो किसी को नहीं कह सकते हैं, हो सकता है कि अपनी तरफ से वो प्रयास कर रहे हों, परंतु देखिए जो प्रदेश की जनता है इसके साथ जब चुनाव लोग होते हैं, चुनाव में पार्टियां जाती हैं तो वायदे होते हैं और वायदे बड़े हुए हैं और जो वायदे हुए हैं उसका नाम भारतीय जनता पार्टी ने एक दृष्टि पत्र के नाम से, एक घोषणा पत्र जो का नाम दृष्टि पत्र दिया था उस पर तो सरकार की दृष्टि जा ही नहीं रही है। और दूसरा सरकार हर मामले में फेल हो गई है, डबल इंजन के इन्होंने दावे किए हैं कि डबल इंजन से सरकार चलेगी, बड़ा काम होगा, हिमाचल में हमारी सरकार होगी, दिल्ली में हमारी सरकार है, तो डबल इंजन तो इनके फेल हो गए, चले नहीं, फ्रीज हो गए हैं। इसलिए आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि लोग जो है, देखिए जब लोगों को गुस्सा होता है, लोगों के काम नहीं होते हैं, आज 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 हिंदुस्तान में आप देखिए कि महंगाई आसमान को पार करके चली गई है, पेट्रोल डीजल के दाम देख लो आप, तेल का खाद्य पदार्थों के दाम देख लो, कड़वे तेल के दाम देख लो, लोगों की नौकरियां चली गई, लोग जो है नौकरियों से बाहर हो गए, लोगों ने लोन ले रखे थे
वो लोन जो है वो उनको रिटर्न नहीं हो रहे हैं, लोगों की गाड़ियां जो उन्होंने लोन पे ले रखी थी, घर ले रखे थे, वो नीलाम हो रहे हैं। इसके अलावा छोटा व्यापारी, बड़ा व्यापारी, मध्यम व्यापारी जो है, सारे के सारे लोग जो हैं उनके कारोबार तबाह हो गए। हाँ, हिंदुस्तान में सरकार जो है, मोदी सरकार जो है, इसका दो तीन लोगों से, दो तीन इंडस्ट्रियल से जो है वो अथाह प्रेम है, वो तो फ्लोरिश हो रहे हैं, बाकी के लोगों को जो है वो इस सरकार से तंग है। इस सरकार का, प्रदेश सरकार का जाना तय है और केंद्र सरकार भी आने वाले समय में उनका भी बोरिया बिस्तरा गोल हो जाएगा।